अंतस की धारा में, वर्तमान के पलों में बहुत रिलैक्स हो जाना। बातें तो हर कोई समझ लेता है, बातें तो हर कोई समझ लेता है, मगर हम वो चाहते हैं जो हमारी खामोशी को समझे। थोड़ी देर मौन पूर्वक। थोड़ी देर सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपनी याद में रहना, अपनी याद के साथ साथ उसकी याद। वैसे भी तुम्हारी याद आने की वजह बहुत अजीब, तुम वो गैर हो जिसे मैंने एक पल में अपना माना। थोड़ी देर भीतर की सैर पर चले, अपने माइंड को डायरेक्ट वॉच करना। माइंड यानी विचार। भीतर देखने के लिए किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं। इसी मनुष्य जीवन में विचार करने की संभावना है। क्या इस विचार को देखने की संभावना किसी मक्खी या मच्छर में है? क्या वो इस वॉचिंग प्रोसेस को समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है? विचार V+4, विश्वास विवेक, विराग विश्राम। सारी यात्रा विश्वास से लेकर विश्राम तक की है। बस हम किसी प्रकार रिलैक्स हो जाएं, बाहर और भीतर दोनों तरफ, तो हम संपूर्ण जीवन रोग रहित होकर जी सकते हैं। भीतर झांकना। कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमने काफी कुछ अचीव कर लिया है, यानी हम सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन याद रहे, बिना ध्यान के सब दुख रूप हो जाएगा, संपूर्ण जीवन रोग और शोक रूप हो जाएगा। संभलना थोड़ा। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हमें कभी संभलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तुमने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं क्यों इतना क्रोधित हूं, मैं क्यों इतना आकुलता व्याकुलता में हूं, मैं क्यों परेशान हूं? इतना दिन रात के इस परिभ्रमण से मुझे क्या मिल रहा है? चाहती तो मैं सुखी होना हूं, लेकिन क्या ये परमानेंट सुख है या टेम्परेरी? अपने प्रति कभी क्वेश्चन उठाया ही नहीं कि मैं ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हूं। भीतर झांकना। कई बार जरूरत भी महसूस हुई संभलने की, सुधरने की, लेकिन ये योग साधना हमारा पैशन नहीं बन पाई। बस थोड़ा सा योग समझ में आ जाए, थोड़ी सी मेडिटेशन मिल जाए, इससे कुछ ना बनेगा। उसके लिए एक जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, कुछ दाव पर लगाने की तैयारी चाहिए। जुआरियों का मार्ग है ये, जो स्वयं को दाव पर लगाने को तैयार है। स्वयं को ही खोना होगा, बूंद को महासागर में खोना होगा। है तैयारी या अभी कुछ और भटकाव बिखराव? इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद हमें स्वयं करनी होगी। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, आप ही खुद के सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े दुश्मन भी। ध्यान रहे, अगर स्वयं पर भरोसा है तो दुनिया में सब कुछ संभव है। इसी भरोसे को हम भगवद गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। जागे रहना, होश में रहना। परंतु जब शरीर कुछ करता है और मन कुछ और चाहता है, तो इन दोनों के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ, उसे थकान कहते हैं। आप होते हैं प्रोफेशन में, मन होता है मॉल में, तो मन और शरीर के बीच जो फासला है, वो
तनाव ही आपको थकाता है, आपको इरिटेट करता है, आपको क्रोधित करता है, तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं और मन भी वहीं होता है तो आप में शक्ति पैदा होती है। जैसे आप योगाभ्यास करके वापस आते हैं तो आप फ्रेश होकर लौटते हैं, शक्ति व्यय हो रही है, लेकिन इस दौड़ने में, इस अभ्यास में आप और तरोताजा होते हैं। काम और खेल में बस यही फर्क है। योग में आपका पूरा ध्यान वहीं मौजूद होता है, जबकि आप किसी और काम में इतने एकाग्र नहीं हो पाते। इसीलिए जो इंटेलिजेंट होशियार होते हैं वो अपने काम को ही खेल बना लेते हैं। खेल यानी आप जो भी कर रहे हैं वो इतनी तल्लीनता से, इतने आनंद से कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कोई संसार ही नहीं बचा। आप इसे करने के बाद ज्यादा सशक्त, तरोताजा लौटेंगे, आपकी कुशलता बढ़ जाएगी। अक्सर लोग ध्यान का मतलब समझते हैं जोर जबरदस्ती से की गई एकाग्रता, इससे आप थक जाएंगे। अगर आप जबरदस्ती खींचकर अपने को किसी काम पर लगाएंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। लेकिन भगवत गीता को सुनने के लिए बहुत रिलैक्स हो जाना, बहुत होश में हो जाना। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा जो कर्मयोगी है वास्तव में वही भक्त है, और जो भक्त है वास्तव में वही कर्मयोगी है। अब ज्ञान तक पहुंचने के लिए भक्त का हृदय तैयार है। अब हमें यह समझना है कि ये भक्त है कौन। सामान्य रूप से जब हम भक्त की बात करते हैं तो आंखों के सामने ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो पूजा का थाल सजाए हुए है, जो आंखों में आंसू लिए खड़ा है, जो कभी मंदिर में यूं झुकता है, कभी वैसे झुकता है। तुम कहते हो गजब का भक्त है, पूजा का थाल सजाए हुए। लेकिन भक्त होना इतना सस्ता सौदा नहीं है। खाली पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा करने से कोई भक्त नहीं हो जाता, खाली लाखों का दान देने से कोई भक्त नहीं हो जाता। भक्त होने के लिए कुछ और शर्तें हैं। पहली शर्त, भक्त होने के लिए हृदय की आवश्यकता है। बुद्धि से कोई भक्त नहीं हो सकता। बुद्धि का काम है सद्गुरु को ढूंढना और विवेक करना, सही और गलत के बीच भेद करना, यह स्थूल बुद्धि का काम है। क्षणभंगुर और शाश्वत के बीच में विवेक करना, यह सूक्ष्म बुद्धि का काम है। ये बात हम पहले बता चुके हैं। बुद्धि का काम है राइट को चूज करना, लेकिन राइट तुम्हारा स्वभाव बन जाए उसे हृदय कहते हैं। ये बायोलॉजिकल हार्ट की बात नहीं, आध्यात्मिक हृदय की बात चल रही है। अब ये खाली चुनाव ही करोगे, ये चुन के आदत बना डालोगे, ये खाऊं या वो खाऊं, उसे कहते हैं विवेक। तुम वेज ही खाते हो लेकिन अब तुम नॉन वेज खा ही नहीं सकते, तामसिक खा ही नहीं सकते, ये तुम्हारा नेचर बन गया। इसे कहा जाता है हृदय। यहां से हृदय निर्माण की घटना घटनी शुरू हो जाती है। जहां स्वभाव आया वहां हृदय आ गया। जैसे अब तुम्हें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, तुम सच ही बोलते हो, वह बन गया स्वभाव। इसको क्रोध करूं या क्षमा करूं, क्षमा करना बन गया स्वभाव, यानी हृदय का निर्माण। यानी अब क्रोध का विकल्प ही नहीं उठता, और जिसका ऐसा चित, ऐसा हृदय बन गया, वही इन रहस्यों को स्वीकार करेगा। जिसका हृदय ही डेवलप नहीं हुआ, वह भक्ति योग के रहस्य को सुन तो लेगा, समझ में भी आ जाएगा उसको, लेकिन हृदय बनेगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा हृदय का गुण है, बुद्धि का नहीं। और भक्ति योग को समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो कर्मियों को समझने के लिए चाहिए थी, गुरु को चूज करने तक की बुद्धि चाहिए थी, लेकिन ईश्वर के रहस्य को समझने के लिए अब तुम्हारा हृदय हाँ बोलेगा। कभी अनुभव किया, जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो तुम्हें उसकी सारी बातें सही लगती हैं। वास्तव में ऐसा हृदय चाहिए जो तर्क करना ही नहीं जानता। तर्क करो कर्म योग तक, विवेक प्रकट करने के लिए, अच्छा बुरा प्रगटाने तक लॉजिक यूज करो,
जैसे मैं क्रोध करके खुश होता हूँ या दुखी, किसमें राहत लगती है, क्षमा करके या गुस्सा करके? वैसे क्रोध की आदत इतनी आसानी से जाती नहीं है, और हम सब भी वही करते हैं जो हमें सुखी करता है, पावर ऑफ डोमिनेटिंग तुम्हें कहीं ना कहीं सुखी करती है, इसीलिए तुम क्रोध का बार बार चुनाव करते हो। और जब तक चुनाव है तब तक बुद्धि है, और जब चुनाव सही कर लेते हो यानी विवेक है, और जब विवेक की भी आवश्यकता नहीं रहती वो तुम्हारा स्वभाव बन गया, समझ लेना तब तुम्हारा हृदय आ गया। नंबर वन भक्त कौन, यानी विवेक से आगे जिसका हृदय बन गया। कर्म योग ने विवेक सिखाया, भक्ति योग अब तुम्हारा हृदय बनाने के लिए तुम्हें प्रमोट कर रहा है। अभी तो तुम ऑटोमेटिक जीवन जी रहे हो, क्रोध के टाइम क्रोध कर लिया, मोह के टाइम मोह कर लिया, वासना के टाइम वासना पूरी कर ली, यानी जब जो मन किया वह कर लिया। यह तो पशुवत जीवन है, पशु भी ऐसे ही जीता है। वास्तव में तुम मनुष्य बनते ही तभी हो जब तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो। बुद्धि का प्रयोग तुम में विवेक लाता है, और विवेक उत्पन्न होते होते तुम च्वाइसलेस हो जाओ, यानी हृदय बन गया, अब तुम भक्त बन गए। तो भक्त की पहली परिभाषा, जिसका हृदय निर्माण हुआ है। हृदय का निर्माण बनने से पहले विवेक, और यही विवेक जब तुम्हारी आदत बन जाए। हैबिट भी बदली जा सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब तुम्हारी ये नेचर बन जाए। तो भक्त का पहला लक्षण, जिसके हृदय का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, भक्ति का संबंध प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता से होता है, इसे ही समर्पण कहा जाता है, यानी जिसके भीतर समर्पण पैदा हुआ है। ये समर्पण भी दो प्रकार का होता है, पहला भावनात्मक समर्पण, दूसरा विचारात्मक समर्पण, यानी एक इमोशनल डिवोशन, दूसरा इंटेलेक्चुअल डिवोशन। भीतर देखना तुम्हारा कैसा है भी या नहीं। वैसे इंटेलेक्चुअल डिवोशन होना चाहिए, लेकिन आज भावनाओं के आवेश में हम किसी को पूज रहे हैं, ना तो हम स्वरूप समझते हैं, ना ही कोई लॉजिक समझते हैं, ना कोई और ढंग, बस दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है, परंपरा ऐसा कर रही है हमें भी यही करना है। इतनी बड़ी परंपरा गलत कैसे कर सकती है, परंपरा गलत नहीं है, लेकिन जिसने तुम्हें परंपरा के गलत ढंग से समझाया है वो गलत है। जो बिना सोचे समझे विचारे समर्पण करता है वो भावनात्मक समर्पण, इमोशनल समर्पण। जो सोच समझ कर करता है वो इंटेलेक्चुअल समर्पण। पहला, जो भीड़ के भरोसे समर्पण करता है उसका समर्पण इमोशनल होगा। जो विचार करके समर्पण करता है, भले आज तुम ध्यान में पहली बार आए हो, इतने लोग इस ध्यान धारा को मान रहे हैं, हम भी मानने लग जाएं, ये कोई डिवोशन नहीं है, लेकिन ये डिवोशन अंतिम तक नहीं पहुंचाएगा। जो विचार करने के बाद समर्पण करते हैं वो विचारात्मक समर्पण। भावों के आवेश में किसी को भी गुरु मान लेते हैं, और फिर संदेह करने लगते हैं हम कि सबने कहा ये गुरु हैं, तो आवेश में मान लेना, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि गुरु का विचार किसी और ने डाला है, तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं है। तो जो भी विचारात्मक होता है वो आवेश के कारण नहीं, संवेग के कारण, आनंद, उत्साह, पवित्रता जो अपने भीतर अनुभव हो रही है उसके कारण समर्पण करता है। और वास्तव में यही असली समर्पण है, बाकी तो सभी मूड्स हैं। चौथी मेन बात, इमोशनल डिवोशन में हमारी क्या इक्वेशन होती है कि कृपा भी सदगुरु करेगा और कर्म भी सदगुरु करे। इसीलिए तुम आंतरिक पुरुषार्थ करते ही नहीं कि गुरु कृपा करेंगे, सारा क्रोध चला जाएगा, यानी सब कुछ गुरु करेंगे, अपने भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो विचारात्मक डिवोशन है वो कहते हैं कि कृपा तो उनकी है लेकिन पुरुषार्थ मुझे करना है, ग्रेस वहां से आ रही है लेकिन एफर्ट यहाँ करना है। और नेक्स्ट जो बहुत बड़ा डिफरेंस कि भावनात्मक वाले रिजल्ट को भी आगे छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हम आगे जाकर हैप्पी होंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल वाला रिजल्ट अभी और यहीं देखता है, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ थॉट्स है, जो है वो अनुभव कहाँ होता है, केवल वर्तमान में।
क्योंकि भूतकाल के केवल स्मरण होते हैं और भविष्य की केवल कल्पनाएं, लेकिन अनुभव केवल वर्तमान में होता है। तो जो विचारात्मक डिवोशन वाला होता है वो केवल प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, लेकिन भावनात्मक वाला फ्यूचर ओरिएंटेड होता है कि आगे फ्यूचर में सुख मिलेगा। नेक्स्ट जो बड़ा डिफरेंस है वो है, इमोशनल वाला अपने गुरु को ही सही मानता है, बाकी सब गलत। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल समर्पण वाले सभी गुरुओं की दशा को समझते हैं और सभी का आदर और सम्मान करते हैं। फाइनली जो भावनात्मक होते हैं उनमें कभी विवेक जगता ही नहीं, हमेशा डावाडोल अवस्था में होते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आएगी हमेशा गुरु के पास भागेंगे, अपनी बुद्धि के पास नहीं भागेंगे। भावनात्मक क्योंकि विवेक जगा ही नहीं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो बैठते हैं ध्यान में, विचार करते हैं और अपने ही भीतर में से समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। तो इस धारा में इंटेलेक्चुअल डिवोशन के साथ आना है, जीवन में रूपांतरण आना चाहिए। पहली बात, भक्त कौन? जिसका विवेक ज्यादा हृदय निर्माण हुआ है, विवेक से ऊपर। दूसरा, जो भावनात्मक समर्पण नहीं विचारात्मक समर्पण करता है, इंटेलेक्चुअल डिवोशन में है जो। और तीसरी बात, भक्त कौन? भक्त को उल्टा कर दो, यानी विभक्त, यानी जो टूटा टूटा खंडित जीवन जी रहा है, जो भेद पर दृष्टि डालता है वो विभक्त, जो डिवाइड करता है मनुष्य को मनुष्यों से, संप्रदायों को संप्रदायों से, वो है विभक्त। लेकिन जो डिवाइड नहीं करता, सभी को उसी शक्ति के भीतर देखता है, वो है भक्त। भीतर देखना, आप लोगों में भेद देखते हो या अभेद को देखते हो? कोई ऊंचा है या नीचा, कोई गरीब है या अमीर, कोई स्त्री है या पुरुष, लेकिन इन सब के बीच एक समानता है, सभी में एक ही ऊर्जा है, उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, एनर्जी कहो। तुम यदि एक को ही देख रहे हो तो तुम भक्त हो, अगर अनेक को देख रहे हो तो तुम विभक्त हो। भीतर झांकना, अंतस की धारा में तुम कैसे आए थे और कैसे हो रहे हो, यानी जो सब में एक देखने की दृष्टि को ले आए, क्षमता को ले आए। यहां सारा का सारा आयोजन, चाहे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सारा आयोजन तुम्हें भक्त बनाने में है। और अगर एक बार बस भक्त बन गए तो फिर छलांग लग जाएगी, ज्ञान योग अपने आप प्रकट होगा। ये सारे आयोजन तुम्हें क्रियाकांडी बनाने के लिए नहीं है, तुम्हें ज्ञानवान बनाने के लिए नहीं है। पानी को सिर्फ उबाला जा रहा है, 50, 60, 70, 80, 90, 99 डिग्री से भी पानी वापस लौट सकता है, लेकिन एक डिग्री और बढ़ते ही पानी छलांग लगा जाता है, अब वापस नहीं लौटता। एक बार भाप बन गया, बिना प्रोसीजर के उस पानी को जो भाप बन गया वापस नहीं ला सकते। जो 100 डिग्री तक पहुंच गया वो भक्त बन गया। और समष्टि कहती है जो भक्त बन गया उसे भगवान से मिलन को रोकना हमारे लिए भी असंभव है। यदि इतनी तैयारी है तो नेक्स्ट वॉल्यूम में हम भक्ति योग की शुरुआत करेंगे। जागे रहना, तेरा ध्यान ही मेरी जान है, तेरा ध्यान ही मेरी जान है, मेरा जहान है। शायद इस हकीकत से तू अनजान है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्योंकि तेरा ध्यान ही मेरी पहचान है। जागे रहना, होश में रहना, इंतजार में रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक।